सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए, आप सभी के जो आने वाले एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए हम लोग एक सीरीज़ लाने की सोचे हुए थे काफ़ी समय पहले से। तो वो सीरीज़ अब आ चुकी है जो कि आपको जीएस में पूरे नंबर तो नहीं लेकिन पूरे में काफ़ी हद तक आपका जीएस का जो टॉपिक है वो कवर करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आपकी जो सीरीज़ है वो है जय हिंद सीरीज, जिसका आज फर्स्ट वीडियो अपलोड हो रहा है जो कि होने वाला है भारत की भाषाएँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा भारत की भाषाओं से रिलेटेड इस टॉपिक पे, और साथ में मैं आपको इसके क्विज भी कराऊंगा। एक दिन आपको इसका टॉपिक वीडियो मिलेगा और साथ में एक दिन आपको मिलेगा इसका क्विज वीडियो। तो पहले आपको टॉपिक वीडियो देखना है, उसके बाद आपको क्विज इसकी स्टार्ट करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारत की भाषाओं में सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं को रखा गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि भारतीय संविधान जो है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं को रखा गया है। हमारी जो कुल भाषाएँ थी मूल संविधान में, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो थी 24 भाषाएँ। और आपको अगर पता करनी है कि 24 भाषाएँ कौन कौन सी हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो 24 भाषाओं में सबसे पहला नाम आता है हिंदी का, फिर इसके बाद संस्कृत, फिर आता है उर्दू, फिर इसके बाद असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी। ये आपकी हो गई 11 भाषाएं। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 भाषाएं और देखने को मिलेंगी, बांग्ला हो गई, मराठी हो गई और मलयालम हो गई। तो ये टोटल 14 भाषाएं थीं जो कि आपकी मूल संविधान में स्थित थीं। इसके बाद कुछ परिवर्तन किए गए, संविधान संशोधन किए गए, जिनके बाद में अब भारत में वर्तमान कितनी भाषाएँ हो गई हैं, टोटल 22 भाषाएँ हो गई हैं। तो यहाँ पर आगे आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में टोटल भाषा कितनी है, 22 भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। और अगर हम लोग मूल संविधान की बात करते हैं तो उसमें कुल भाषाएं थीं 14। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट में यहाँ बोला गया है कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि जो 15वीं भाषा थी वो आपकी सिंधी बनी थी और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपको इसका जो सन है वो भी याद रखना है, 1967 में जो ये संविधान था, ये संविधान संशोधन आपका किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 नई भाषाएं, जिसको नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी बोलते हैं, ये 3 भाषाओं को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो तीनों भाषाओं के आपको नाम ध्यान में रखने हैं, नेपाली है, मणिपुरी है और इसके अलावा कोकड़ी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके पॉइंट में दिया हुआ है 92वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2003 में बोडो, डोंगरी और मैथिली, इसके अलावा एक और भाषा याद रखनी है, संथाली। टोटल आपकी 4 भाषाएं थीं जो कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थीं, जिसमें से पहला नाम आता है बोडो, फिर डोंगरी, फिर मैथिली, फिर इसके बाद में आता है संथाली। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट में इससे पहले बढ़ें, इससे पहले कि आपको क्या करना है, यूट्यूब का जो हमारा चैनल है ब्राउन स्टडी, इसको ज्वाइन कर लेना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको इन सभी चीज़ों के PDF जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पे, जिसमें दिया हुआ है कि भारत की शास्त्रीय भाषाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये बनता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं, किस भाषा को कब जोड़ा गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएँ हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 6। आपको ध्यान रखना है भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएँ हैं, जिनमें से फर्स्ट नंबर तमिल, फिर इसके बाद संस्कृत, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयालम और इसके बाद उड़िया शामिल है। अगर बात करें हम लोग की ये कब कब शामिल हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली भाषा तमिल थी जिसको 2004 में शामिल किया गया था, दूसरी भाषा थी संस्कृत जिसको 2005 में शामिल किया गया, तीसरी तेलुगु जिसे 2008 में, उसके बाद कन्नड़ आती है फोर्थ नंबर पे जिसको 2008 में किया गया, और मलयालम को 2013 में, और सबसे लास्ट में उड़िया को शामिल किया गया। और कब किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2014 में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जो है 343 का एक है, इसके अनुसार बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में लिखित रूप से कोई भी प्रमाणित भाषा नहीं है जिसे हमने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया हो, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि जो राजभाषा है वो आपकी हिंदी है लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है वो कोक बरोक भाषा है। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पुदुचेरी की जो आधिकारिक भाषा है वो फ्रांसीसी है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि मिजोरम की आधिकारिक भाषा जो है वो कौन सी है, तो मिजो है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो 22 भाषाओं की सूची है हमारे संविधान में तो उनमें से अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। नेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आगे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा मैंने अभी बताई जो तमिल है उसको सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा माना जाता है क्योंकि वो सबसे पहले सम्मिलित हुई थी। इसके बाद नवीनतम की बात करें तो जो हमारी उड़िया भाषा है वो नवीनतम शास्त्रीय भाषा में शामिल हुई। तो यहाँ से आपका ये जो टॉपिक था ये समाप्त होता है। आपके जो भाषाएं हैं या बोल सकते हैं भारत की जो भाषा का टॉपिक है ये आपका बस इतना ही है, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट जो भी थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू जारी रखी जाएगी, तो इस सीरीज को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्विज सॉल्व करने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको देखना है कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।